अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो आपके जीवन में आपका करियर समाप्त हो सकता है। तो इसलिए आपको पैरामेडिकल कोर्स चूज करने के लिए सावधानियां रखनी चाहिए कि आप बीआरटी करो या डिप्लोमा करो, डिग्री करो, तो सारी चीजें आप सोच समझ कर ही। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आज अपन बात करने वाले हैं पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में, क्योंकि आप सभी के ट्वेल्थ के एग्जाम अभी हो रहे हैं और काफ़ी जनों के एग्जाम हो चुके हैं। तो अब दिमाग में कहीं ना कहीं ये सवाल आता है कि ट्वेल्थ के बाद आखिर हम क्या करें। और पैरामेडिकल कोर्सेज का नाम भी आपने काफ़ी बार सुना है और ये कोर्सेज भी डीआरटी, बीएमएलटी, इनके बारे में भी आपने सुना है, तो आखिर इनके अंदर अंतर क्या रहता है? तो सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं और बात करेंगे कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये बीआरटी यानी बैचलर और डीआरटी डिप्लोमा, ये दोनों क्या होते हैं? क्या डिग्री करना चाहिए हमें, क्या डिप्लोमा करना चाहिए पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में? तो सारी चीज़ें अपन इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें कि आप सभी टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, जो सुदर्शन क्लासेज के नाम से हैं और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मैं बात करूं कि ये चैनल आप क्यों ज्वाइन करें, तो पैरामेडिकल कोर्सेज और अगर भर्ती की बात करें, जैसे आरआरबी पैरामेडिकल है, उन सब के रिगार्डिंग अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलेगा, अन्यथा आपको कोई भी चैनल पर संपूर्ण जानकारी नहीं मिलने वाली है। और पैरामेडिकल कोर्सेज में भी जिसका डिप्लोमा डिग्री हो चुके हैं वो विद्यार्थी भी उसी इसको ज्वाइन करें, क्योंकि आगे आपको क्या करना है वो सारी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। तो अगर अपन बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल कि पैरामेडिकल कोर्सेज होते क्या क्या है, तो हम दोनों ही बात करेंगे। सबसे पहले कि एक होता है डिग्री कोर्सेज और एक आ जाता है डिप्लोमा कोर्सेज, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर डाउट रहता है कि मैं डिग्री करूँ या फिर डिप्लोमा करूँ, और डिग्री और डिप्लोमा करने के बाद भी मुझे क्या करना है, तो वो सारी जानकारी मैं आपको आज बताऊंगा। तो देखो भाई, सबसे पहले अगर अपन बात करें कि पैरामेडिकल कोर्सेज में एक तरफ आ जाते हैं डिग्री कोर्सेज और एक तरफ अपन बात करें इसमें आ जाते हैं डिप्लोमा कोर्सेज। तो देखो, डिग्री कोर्सेज के अंदर क्या क्या आ जाता है, तो डिग्री में आ जाती है आपके, देखो साथियों मैं बता देता हूँ आपको कि बैचलर जो कोर्स होगा ना अपने पैरामेडिकल में, वो सारे के सारे डिग्री कोर्सेज में आ जाएंगे। और डिप्लोमा में डिप्लोमा वाले कोर्सेज है, जैसे अगर मैं बात करूं कि अपने पैरामेडिकल फील्ड में डीआरटी, डीएमएलटी, डीओटीटी, ये सारे कोर्सेज आ जाते हैं। मैं वन बाय वन सब के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल कि बीआरटी क्या होता है, तो बैचलर इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी यानी रेडियोलॉजी वाला जो फील्ड होता है, जिसमें भी अपन बात करें कि रेडियो डायग्नोसिस और रेडियोथेरेपी वाला जो कोर्स होता है वो अपने बीआरटी के अंदर आ जाता है। इसके बाद अगर अपन बात करें बीएमएलटी, तो बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जिसमें अगर अपन बात करें कि लेबोरेटरी के जितने भी इन्वेस्टिगेशन है, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री का हो, माइक्रोबायोलॉजी का हो, वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। और बी ऑप्थो में बात करें तो ऑप्थेल्मोलॉजी के बारे में, यानी कि अपन आई डिपार्टमेंट की बात करें तो वो बी ऑप्थो कोर्सेज में आ जाता है। तो देखो दोस्तों, ये तो सारे के सारे आपके थे डिग्री कोर्सेज, क्या थे भाई डिग्री कोर्सेज। अगर अपन डिप्लोमा की बात करें तो देखो, डिप्लोमा में डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, तो ये सारी ईसीजी का आ गया, ब्लड बैंक का आ गया, या अपन बात करें डायलिसिस का डिप्लोमा भी होता है, तो खूब सारे अदर डिप्लोमा पैरामेडिकल के अंदर लगभग 15 डिप्लोमा होते हैं भाई। तो ये डिग्री और डिप्लोमा का अंतर आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर अपन बात करें कि डिग्री कोर्सेज का ड्यूरेशन जो रहता है भाई, वो 3 साल का रहता है और उसके साथ में होती है इंटर्नशिप 6 महीने की। और फिर अपन बात करें डिप्लोमा कोर्सेज, तो डिप्लोमा कोर्सेज की अवधि रहती है 2 साल की। अब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हम डिप्लोमा करें या डिग्री करें? तो देखो, अगर मैं बात करूं राजस्थान के अंदर अपने, तो डिग्री और डिप्लोमा को दोनों को बराबर ही देखा गया, क्योंकि डिग्री के अंदर आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, लेकिन अगर वैकेंसी आती है तो दोनों सिमिलर होंगे। चलो इसके बाद बात करें कि कौन कौन ये कोर्स कर सकता है, ठीक है ना? तो डिग्री और डिप्लोमा दोनों की बात करें, तो जो ट्वेल्थ पास साइंस वर्ग के विद्यार्थी है, मेरे प्यारे दोस्त, जितने भी भाई साइंस पीसीबी और पीसीएम से जो 12वीं के एग्जाम दे चुके हैं, वो ये दोनों ही कोर्स कर सकते हैं, ठीक है जी। आगे अगर अपन बात करें कि इसमें एडमिशन की प्रक्रिया यानी प्रवेश कैसे होता है, तो डिग्री और डिप्लोमा दोनों की अगर अपन बात करें, तो डिग्री के लिए होता है एंट्रेंस एग्जाम यानी प्रवेश परीक्षा होती है, और डिप्लोमा की बात करें तो उसमें ट्वेल्थ के परसेंटेज के अनुसार आपका प्रवेश यानी एडमिशन हो जाता है। फिर आता है कि एग्जाम कौन सी संस्था करवाती है, तो मैं राजस्थान की बात करूं तो डिग्री के लिए करवाती है RUSH यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, जो जयपुर में यूनिवर्सिटी अपनी, वो करवाती भाई डिग्री के लिए एग्जाम, और उसमें एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपका गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन होता है।
उसके बाद अगर अपन डिप्लोमा कोर्सेज की बात करें तो डिप्लोमा आपके जो 12वीं में परसेंटेज बढ़े हैं उस परसेंटेज के अनुसार आपको कॉलेज मिलती है और ये संस्था करवाती है आपके RPMC राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल। तो राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल डिप्लोमा करवाती है और RUSA डिग्री करवाती है, दोनों डाउट क्लियर आपके, ठीक है जी। इसके बाद बात करें कि अगर आपका डिप्लोमा और डिग्री हो जाएगा तो होने के बाद क्या होगा, तो देखो सारी जानकारी मैं लेके आया हूँ, वन बाई वन सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो देखो अगर अपन जॉब सेक्टर की बात करें कि आखिर हमने ये डिप्लोमा अब कर लिया है तो देखो भाई इसमें सबसे पहले आ जाएगा आपके स्टेट वाली वैकेंसी की बात करें तो उसमें तो सीधी भर्ती आती है और सीधी भर्ती में आपके 12th के परसेंटेज और प्लस इसके साथ डिग्री और डिप्लोमा वाले जो परसेंटेज है भाई, डिग्री और डिप्लोमा उन दोनों का एवरेज होने के बाद जो आपके परसेंटेज बनते हैं उस हिसाब से आपकी नौकरी लग जाती है। तो एक बात सीधी बता देता हूँ कि पैरामेडिकल ही करना है अगर आपको जल्दी नौकरी लेनी है तो, ठीक है। इसके बाद बात करें सेंट्रल की वैकेंसी, तो हाँ सेंट्रल में भी लॉट्स ऑफ वैकेंसी आती है, जिसमें बात करें हम एम्स की तो एम्स के अंदर भी पैरामेडिकल की पोस्ट शानदार आती है और वेतन भी इसमें आपको शानदार मिलता है। RRB की बात करें, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, अभी हाल ही में RRB की वैकेंसी आ रही है। और अदर्स की बात करें तो अदर यानी RML हो गई, NVS हो गई, ठीक है ना, मिलिट्री हॉस्पिटल हो गया, तो सारी भर्तियां पैरामेडिकल की आती रहती है भाई। इसके बाद बात करें कि अगर हमारा डिग्री या डिप्लोमा हो गया और भर्ती नहीं है तो हम क्या करें, तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी जॉब कर सकते हैं। चलो जी।